हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। दिस इज मी दीपक सिंह। दिस इज मी टेलीग्राम आईडी दीपक सर यूपीएससी। आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो लेक्चर के लिंक के लिए। इसके अलावा लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, deepak.nnpp2509 करके आपको एक लिंक मिलेगी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल लिंक है। उस प्रोफाइल लिंक से आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे मुझे आप फॉलो करोगे तो डेली आप 6 PM पे फ्री टेस्ट जो मैं कराता हूँ, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकोगे आप। क्लियर है? ये 27 जून के लिए बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसमें मैं आपको लेक्चर के बाद में प्रैक्टिस भी कराता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे टैकल करना है, ठीक है, आपके अप्रोच के साथ में। जस्ट अ सेकेंड। जी, उसके अलावा देखेंगे अनअकैडमी में दो कोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों, एक प्लस है एक आइकॉनिक है। ठीक है, प्लस कोर्स मैं आपको इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से घर बैठ के पढ़ने का मौका मिलता है। इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल होते हैं, लाइव टेस्ट अवेलेबल होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं घर बैठे हुए। तो इसमें 6 मंथ, 12 मंथ, 24, 36 मंथ की कोर्स अवेलेबल है। आप दीपक वन कोड यूज करें, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और इसके साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। ठीक है, सेकेंड है बच्चों आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस के तो सारे फीचर है, प्लस एक फीचर जुड़ जाता है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। अब अगर पर्सनल मेंटर आपको अनअकैडमी असाइन कर रही है, ये आपको डेली मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगा, ये आपको फीडबैक देगा। इन शॉर्ट, अगर आप 12th पास आउट हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपका सबसे अच्छा स्मार्ट मूव होगा कि आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि एक मेंटर आपको हमेशा गाइड करेगा। और जब कोड आप यूज करते हैं दीपक वन, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, तो साथ में आपको एक और मेंटर मिल जाता है। ठीक है, मैं खुद आपको और भी पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, तो ये रही कोर्स के बारे में। जी, ठीक है, सेकेंड देखेंगे ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24, 36 मंथ की कोर्स अवेलेबल है। यूज कोड दीपक वन फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। 27 जून को एग्जाम है। फ्री टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, अनलॉक करने के लिए दीपक वन कोड यूज करें। कॉम्बो भी अवेलेबल है ऑप्शनल और जीएस का, तो इसको भी आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 17 मार्च से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर बैचेस ऑल्सो स्टार्टेड। हिंदी सेपरेट, इंग्लिश सेपरेट, बाइलिंगुअल, उसका एडवांटेज ले। संडे को सुबह 11 बजे इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड दीपक वन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है जी, साउंड कम आ रहा है क्या सभी को? टेल मी वंस, क्या साउंड की थोड़ी सी इशू है क्या भाई, बताइए। ठीक है, यस, ओके, चलो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आज हमारा सेकंड चैप्टर है। कल के चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक ह्यूमन जो कि सिविलाइज हो रहा है, उसके पीछे एग्रीकल्चर कितना बड़ा कॉज बनकर आया है। ठीक है, एग्रीकल्चर किस तरीके से हेल्पफुल रहा है एक ह्यूमन को सिविलाइज करने में। तो आज का जो चैप्टर है, उसे हम अपने सिलेबस में तो बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन अगर हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो हम इसके नाम को बदल देंगे, इसका फिर से नामकरण करेंगे। अब हम इसका नामकरण क्या करेंगे? हम इसका नामकरण करेंगे कि क्लाइमेक्स फेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर
इट्स पीक एग्रीकल्चर क्लाइमेक्स फेज में था, अपने पीक पे था। एग्रीकल्चर इतना हो रहा था कि खाने के बाद बहुत बड़े लेवल पे सरप्लस हो रहा था। क्या बच्चों आप मुझे बताओगे कि एग्रीकल्चर अगर सरप्लस होगा तो क्या इसी से ट्रेड स्टार्ट होगा? टेल मी, ट्रेड स्टार्ट होगा? अच्छा ठीक है, ट्रेड स्टार्ट होगा तो क्या ट्रेड स्टार्ट होने से लोगों की इनकम बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अब लोगों की अगर इनकम बढ़ेगी, ट्रेड स्टार्ट होगा तो क्या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रोथ आएगा? ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होगा तो क्या पीपल की डिमांड भी बढ़ेगी? बिल्कुल। और पीपल की डिमांड बढ़ेगी तो क्या मार्केट में, जो इकोनॉमी में जो एक बोला जाता है कि मार्केट पावर्स डिमांड सप्लाई दोनों राइज करेंगी? बिल्कुल राइज करेंगी। और डिमांड के साथ साथ में पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ये डिमांड के साथ साथ में एक चीज और बढ़ाएगा, डिमांड ऑफ लग्जीरियस गुड्स। अब अगर लग्जीरियस गुड्स की डिमांड हो रही है तो क्या यहां पे कलर्ड पॉटरी देखने को मिलेंगी? क्या यहां पे टेराकोटा के फिगर्स देखने को मिलेंगे? आखिर ये पहले क्यों नहीं थे, अब क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि अब लोग जो हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप हो चुका है। नाउ पीपल हैविंग एक्स्ट्रा मनी, अब वो अपने घर को सजाएंगे, वो अपने घर को सुंदर बनाएंगे, एक अच्छा घर बनाएंगे, उसको साफ सुथरा रखेंगे। अच्छा क्या सर यही सिविलाइजेशन है? बिल्कुल यही सिविलाइजेशन है। ठीक है, बिल्कुल यही सिविलाइजेशन है। और दिस इज द टाइम ऑफ द सिविलाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, और जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, अभी आपका अप्रोच सेट हुआ कि किस अप्रोच से चलेंगे, क्लियर हुआ? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कितनी, मतलब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो थी इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन थी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो पहला जो टाइप क्वेश्चन होगा वो कंटेम्प्रेरी इशू से आएंगे। कंटेम्प्रेरी इशू मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में वर्ल्ड में तीन और सिविलाइजेशन थी, तो इन तीनों के बीच में एक कंपेरेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकता है, पहला। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर से क्वेश्चन आएगा। और तीसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स, डिफरेंट जो साइट्स हैं इनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीन अप्रोच लेके चलना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें यूनिक फीचर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि पहली साइट जो एक्सकेवेशन में मिली वो हड़प्पा थी। फिर इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय ब्रॉन्ज का यूज होता था। और कोई रिटेन एविडेंस मिला तो है, लेकिन अभी तक कोई, किसी ने भी उसको डेसिफर्ड नहीं किया। डेसिफर्ड इट मींस किसी ने पढ़ा नहीं है, पिक्टोग्राफी मिली हुई है, कुछ पिक्चर्स मिले हुए हैं। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का बिलीव है कि ये पिक्चर जो है ये हड़प्पा की स्क्रिप्ट है। अब इन स्क्रिप्ट को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, तो भाई ये प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहलाती है। तो अभी कुछ समझ में आ रहा है व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस वैली, बिकॉज होल सिविलाइजेशन या मैक्सिमम साइट ऑफ द सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, मेजर साइट्स, बड़ी बड़ी साइट्स। हड़प्पा क्यों? बिकॉज फर्स्ट साइट जिसका एक्सकेवेशन हुआ वो हड़प्पा था। ब्रॉन्ज एज क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज का एज, मतलब ब्रॉन्ज का यूज होता था। अब प्रोटो हिस्टोरिक क्यों? बिकॉज
रिटेन एविडेंस फाउंड बट स्टिल नॉट डेसिफर्ड, अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ये इतने इसके नाम है। अब ये कब से कब तक फैला, कहां पे फैला, तो ये 2500 बीसी के अप्रोक्स में वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया लाइक आज का पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, इन रीजन में ये बहुत तेजी से फैला था। तो आओ भाई जब 2 मिनट के अंदर थोड़ा मैपिंग कर लें ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थिंग्स गोइंग टू बी अट्रैक्टिव, नो नीड टू वरी। ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो साइट्स है ना, ये इंडिया में, राजस्थान ले लो, मेरठ तक ले लो, ठीक है। ये पूरी साइट जो थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। टोटल 1400 साइट्स मिली, जिनमें 900 मिली है इंडिया में, ठीक है, और बाकी की 500 मिली है पाकिस्तान में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, इंडिया में है। क्लियर है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, यस। अभी एक पिक्टोग्राफिक साइन है बच्चों, पिक्चर्स है कुछ, इन पिक्चर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है ये कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है, और बहुत कम मिले हैं। बहुत ज्यादा मिला होता कर लेते हो आप, कुआं बना लेते हो, लेकिन उस समय के लोग, उनके लिए तो पानी का एकमात्र सोर्स रिवर होगा ना, नदी, वही पानी। और जल के बिना तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो जैसे ही जल आया वैसे ही जीवन आया। अब जीवन कहाँ आया, जल के पास आया, इसीलिए बोला गया कि ऑल सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। अब कौन कौन सी, इजिप्ट सिविलाइजेशन ऑन नाइल रिवर, ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जिसका साउथ का पार्ट बोला जाता है सुमेरियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। ये आपका मेसोपोटामिया है, ये आपका इजिप्ट है, ठीक है। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर, या फिर उसको हम बोलते हैं यांजे रिवर, उस वैली का नाम है वांग हो वैली, ये यहाँ पे है, ठीक है। और फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मोस्ट डेवलप्ड, द मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो कहाँ है, आपके यहाँ पे, बिगेस्ट भी है, डेवलप्ड भी है, ठीक है। और कौन सी रिवर्स है, तो यहां पे आपको मिलेगा इंडस रिवर, घग्गर हाकरा रिवर, ठीक है, याद रखेंगे, सरस्वती रिवर, इसी को घग्गर हाकरा को ही कुछ लोग सरस्वती बोलते हैं, और हमारे वेद में नाम मिला हुआ है सरस्वती का, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आगे चल के बात करेंगे, अभी यहां पे जितना जानना है उस पे ध्यान देना, ठीक है। क्या सबको बफर हो रहा है क्या, टेल मी वंस, सबको बफर हो रहा है क्या? नहीं ना, एक बार अपडेट करेंगे, बफर तो नहीं हो रहा है। यस, सरस्वती नदी ड्राइड हो गई है बच्चों, और अंडरग्राउंड हो गई है ऐसा माना जाता है। इंदिरा गांधी कनाल जहां डेवलप हो रहा है ना, वहीं के आगे उसका एक्सपांशन सरस्वती रिवर ही है, जो अब अंडरग्राउंड हो गई है। क्लियर है? जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए और देखते हैं क्या है। 1920 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकवेशन किया, और इंडस वैली, ठीक है, कि दो साइट को निकाला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ठीक है। 1924 में जॉन मार्शल ने डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझोगे, ठीक है, क्लियर है।
थोड़ा सा समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्या है मैं आपको बता दूं बच्चों। ब्रिटिश व्हेन केम इंडिया, ब्रिटिश एक्सप्लॉइट इंडियंस वेरी मच, एक्सप्लॉइटेड इंडियंस वेरी मच। इंडियंस स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1914 एंड 1920 एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर इन 1920, सम कंट्रीज आस्क ब्रिटेन टू लीव इंडिया एट द सेम टाइम 1920। व्हाट ब्रिटेन सेड अबाउट इंडिया, ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया के बारे में बोला, इंडिया इज अ लैंड ऑफ बारबेरियंस, वी आर वेरी सिविलाइज पीपल एंड वी आर हेयर टू सिविलाइज देम। भारत जंगलियों का देश है और हम लोग सभ्य लोग हैं, हम इन्हें सभ्यता सिखाने आए हैं। ये बेचारे क्या जानते थे कि ये बात भगवान को बुरी लग गई और भगवान ने ऐसा चक्कर चलाया कि 1920 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो धरती के बाहर आए और जॉन मार्शल ने जो मैगजीन निकाली उस मैगजीन में वर्ड लिखा हुआ था, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फर्स्ट सिविलाइजेशन इज इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि तब पाकिस्तान भी भारत में था। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन। लोग बोले लो जो राज कर रहे हैं, जो अपने आप को सिविलाइज बोल रहे हैं, इनकी खुद की औकात नहीं, ये तो गिनती में नहीं आते, ये तो गिनती में नहीं आते। अगर सिविलाइज है तो हमें इंडियंस फील लाइक है 56 इंच का सीना। ठीक है, ये इंडियंस फील लाइक दैट 1924। ठीक है, यस क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ कहाँ से था तो बता दूं। नॉर्थ में चेनाब रिवर के पास में मांडा, जम्मू कश्मीर। ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, रिवर का नाम था हिंडन, आज ये मेरठ जो है। ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में साउथ में, और रिवर का नाम था प्रवरा, और सुटका गेंडोर बलूचिस्तान। ठीक है, और रिवर का नाम था दस। इस तरीके से ये पूरा एरिया एक्सपांड हो रखा था। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सपांशन हो गया आपका, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, हाँ चलो अब फेज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बच्चों एक सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन कभी भी एक साथ डेवलप नहीं होती है, वो अपने अलग अलग फेज में आके डेवलप होती है। जैसे पहले लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता, पहले तो कुछ पहनते ही नहीं थे, फिर जानवरों की खाल पहनी, फिर धोती कुर्ता पहना, फिर कोट पैंट पे आ गए, अब शॉर्ट्स पे आ गए, अब फिर कपड़े गायब हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये कल्चर है, और यही कल्चर जब लंबे समय तक टिका होता है उसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है, बेसिकली उसके कल्चर में हम तीन तरह के चेंज पाते हैं, और उसके बेसिस पे हम सिविलाइजेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है अर्ली हड़प्पा फेज, जो 3300 से 2600 BC तक है। फिर सेकेंड है मेच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 से 1900 BC तक है, और थर्ड है लेट हड़प्पन फेज, जो 1900 से 1300 BC तक एक्सपांड किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो ये तीन फेज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, क्लियर है? और जिसमें मेच्योर हड़प्पा फेज बिकम मोर इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, क्योंकि लेटर में तो सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पहला, सबसे पहला, अब मैंने फीचर स्टार्ट कर लिया, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फीचर। फीचर में पहला है टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो हड़प्पा कल्चर है उसकी पहचान उसकी टाउन प्लानिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोला जाता है
कि ये जो शहर थे इनमें जो शहर मतलब मैक्सिमम सिटी दो पार्ट में डिवाइड थे। एक पार्ट था सिटेडल का जो ऊंचाई पे होते थे लाइक दैट, ऐसे ऊंचाई पे, फिर मैदान होता था, फिर यहाँ पे लोग बसते थे, तो ये लोअर प्लेन और ये होता था सिटेडल। और लोग बोलते थे कि सिटेडल पे मोस्टली रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करता है, ठीक है समझ में आ रहा है। और सिटेडल के बाहर नीचे एक लोअर टाउन होता था, लोअर टाउन ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रिक के हाउसेस मिले हैं, ठीक है, ब्रिक के हाउस मिले हुए हैं विच वर इनहैबिटेड बाय द कॉमन पीपल, ठीक है। लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, आम लोग, तो रूलिंग क्लास रिच क्लास एट द सिटेडल। सिटेडल हमेशा सिटी के बेस्ट साइड में होता था और लोअर टाउन होता था ईस्ट साइड में, क्लियर है समझ रहे हैं। तो ये वेस्ट ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अरे क्या ये लोग बिलीव करते थे तंत्र वगैरह पे? तो कुछ लोग तो अभी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिनका तंत्र सिस्टम पे बिलीव था, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट था, द रिमार्केबल थिंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ हाउस इन द सिटीज कि ये ग्रिड सिस्टम पे थे। ग्रिड सिस्टम मतलब चेस बोर्ड पैटर्न सिस्टम, समझ रहे हो, ये चेस बोर्ड के पैटर्न सिस्टम में थे। बीच में चौड़ी रोड आती थी, ठीक है, किनारे किनारे घर बने होते थे और जो घर होते थे उनके दरवाजे मेन रोड पे ओपन नहीं होते थे, साइड स्ट्रीट पे ओपन होते थे, क्योंकि मेन रोड पे ट्रैफिक बहुत था। किसका ट्रैफिक? बुलक कार्ट का ट्रैफिक, अनाज एक जगह से दूसरी जगह लाए जा रहे थे, व्यापार होता था, ट्रेड होता था सुमेरिया से, इजिप्ट से, ठीक है। तो ये सारे चीजें हमें यहाँ पता चलती हैं। और जब ट्रेड बहुत होगा, आवाजाही होगी, ट्रैफिक होगा, तो गंदगी भी होगी। तो हड़प्पन पीपल आज के स्वच्छता अभियान को सबसे अच्छे से लेके चलते थे। हम उनके हर एक के घर के बाहर दो नालियां होती थी, टू ड्रेनेज सिस्टम, वन फॉर फ्रेश वाटर, वन फॉर वेस्ट वाटर, ठीक है। और वेस्ट वाटर को नीचे जाके खेतों से जोड़ दिया जाता था और उससे एग्रीकल्चर होता था। अब बताइए कितना अच्छा सिस्टम है। हर एक चौराहे पे डस्टबिन, घर के बाहर डस्टबिन, इतना हाईली डेवलप सिविलाइजेशन था कि लिपस्टिक मिली हुई है, ठीक है, मेकअप का बॉक्स मिला हुआ है, लोग बियर्ड रखते थे, बियर्ड का फैशन था, एक प्रिस्ट का एक स्कल्पचर मिला हुआ है वो बियर्ड रखा हुआ, तो बियर्ड का फैशन था, मतलब हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन, आप बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। और सुनो, ग्रेनरीज मिली हुई है। अब ग्रेनरी क्या थी? जमीन का भाग है, गड्ढा खोद दो, इधर एक होल इधर, इधर से अनाज डालेंगे और इधर से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस में था और बहुत बड़े लेवल पे होता था, और एग्रीकल्चर को ये एक्सपोर्ट करते थे और प्रीसियस मेटल वो इम्पोर्ट करते थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम था, ठीक है। यस बिल्कुल, तानू टाइप बेर्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन द हड़प्पा सिटी इज रिमार्केबल बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग इजिप्ट मेनली ड्राइड ब्रिक्स वर यूज्ड। तो यार देखिए, इजिप्ट में ड्राइड ब्रिक यूज हुआ, वहीं पे हड़प्पा में बर्न्ट ब्रिक्स पके हुए ईंटों का इस्तेमाल हुआ। अब आप समझ सकते कितना डेवलप है। अरे भाई, केवल पके हुए ईंट नहीं, जिन शहरों में फ्लड का बहुत टेंशन होता था, बाढ़ आ जाती थी, उन शहरों में ईंट को चारकोल से कवर किया गया। अब अगर ईंट को चारकोल से कवर करेंगे माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, तो क्या उसको नुकसान होगा? नहीं, बहुत या तो होगा, बहुत कम होगा। इतना दिमाग था, इतने बड़े इंटेलिजेंट थे। आज बिहार में इतना बाढ़ आता है, क्या सरकार ने कभी चारकोल की ईंट दी बिहार के लोगों को? नहीं दे सकते। क्या कोई प्लानिंग किया? नहीं दे सकते। अभी फिर बारिश आएगी, फिर न्यूज में आएगा ये नदी, ये बाढ़ आ गया, ये डूब गया, लोग देखेंगे बाद में मुआवजा मिलेगा।
अरे यार हड़प्पन से सीखो कि कैसे अपने आप को बचाते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखो। यस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदड़ो वॉज वेरी इंप्रेसिव। ठीक है और बोला जाता है कि सारे सभी शहरों में बाथरूम होते थे, उनका कोर्टयार्ड होता था, चाहे बड़े घर हो और चाहे स्मॉल हाउस हो। इवन कालीवंगन में तो कई घरों में उनके खुद के कुएं मिले हैं, वेल्स। ठीक है और एट साइट ऑफ धोलावीरा और लोथल में इंटायर सेटलमेंट वॉज 45। लिख लो धोलावीरा और लोथल में पूरा का पूरा सेटलमेंट 45 था। ठीक है और सेपरेटेड बाय वॉल्स था। ठीक है वॉल से सेपरेट किया गया था, इसका मतलब मेनली हड़प्पा के जो शहर थे उसमें सिटेडल और लोअर टाउन होता था। ये लोअर टाउन है, ये सिटेडल है। सिटेडल फोर्टिफाइड होता था, लोअर टाउन ओपन होता था, लेकिन धोलावीरा लोथल में ये भी मतलब फोर्टिफाइड है और ये भी फोर्टिफाइड है और सेपरेटेड बाय द वॉल, बीच में वॉल है और वॉल ने इनको सेपरेट कर रखा है। ठीक है तो इट्स अ इंपॉर्टेंट फीचर समटाइम यूपीएससी आस्क इन द एग्जामिनेशन। ठीक है वो क्वेश्चन पुट कर लेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट। चनूदड़ो वॉज द ओनली सिटी डज नॉट हैड सिटेडल। चनूदड़ो एकमात्र ऐसी ऐसा शहर है जहां पे सिटेडल नहीं था। ठीक है और धोलावीरा एक ऐसा शहर है जहां पे शहर तीन भागों में बटा था, मतलब सिटेडल फिर होता था लोअर टाउन। तो लोअर टाउन में जब लोग ज्यादा आ गए तो इन्होंने बीच में घर बनाना शुरू किया, वरना पहले ये प्लेन एरिया होता था। ठीक है एक मैदान होता था, चाहे क्रिकेट का या फुटबॉल का समझ लो, यही गैप होता था। लेकिन लोग अब यहां भी घर बनाने लगे, क्यों? क्योंकि किनारे किनारे में अराजक तत्व थे, ये किसी की भी भाभी देख के सीटी बजा देते थे, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लोगों ने बोला इधर सीटी बजाने वाले लोग छेड़ते हैं, चोर हैं, घर से गेहूं चुरा ले जाते हैं, तो हम इधर घर नहीं बनाएंगे, अब हम घर अभी भैया बीच में बनाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने शहर के ऐसी की तैसी कर दी और इन्होंने पूरे सेटलमेंट में तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर मिडिल और लोअर। ठीक है यस नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है अब सेकेंड फीचर देखो, तो पहला टाउन प्लानिंग तो खत्म हो गया, अब सेकेंड फीचर आ गया एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर ही तो सब कुछ है, अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो हमारे हिस्ट्री में कई चैप्टर गायब होते। ठीक है ये इतने चैप्टर इसकी वजह से आ गए, आज ये है तो हम हैं। ठीक है क्लियर है, और हम हैं तो ये है, दोनों में बराबर का रिलेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है चलिए अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। देखिए भाई सबसे पहले क्या रिवर्स के किनारे ये साइट्स थी? अब अगर ये रिवर के किनारे हैं तो इरिगेशन अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या फ्लड आते थे? तो फ्लड आते थे तो क्या फ्लड आने से बहुत से रिच मिनरल्स, ठीक है क्या वो साथ में आते थे जिससे कल्टीवेशन होता था? नेचुरल पेस्टिसाइड्स आते थे बिल्कुल फ्लड की वजह से। आज आप देखोगे बहुत सी जमीन बंजर हो गई या उनका प्रोडक्शन लेवल कम हो गया क्योंकि फ्लड वहां पे नहीं आते हैं। पहले फ्लड आते थे तो जमीन उस लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है अब देखेंगे कौन कौन से ये लोग मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स को करते थे प्रोड्यूस, व्हीट, बार्ले, राई, पीस, सीसम, लेंटिल, चिकपी, मस्टर्ड, ये सब प्रोड्यूस होता था। मिलेट्स भी मिला हुआ है। ठीक है कहां से? गुजरात से। लेकिन एक चीज याद रखना है, राइस का यूज बहुत ही रेयर था, सबसे कम यूज राइस का होता था, गेहूं अच्छे लेवल पे था। बार्ले था, राई था, पीस, सीसम, लेंटिल, चिकपी, मस्टर्ड, मिलेट्स,
सब था, लेकिन राइस का यूज बहुत कम होता था, इस चीज को याद रखना है, यही दे देगा। राइस वॉज द मेजर क्रॉप ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अब यहां पे दिमाग में बैठा लो, राइस रेयर और एवरीथिंग इज फेयर, ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। लेट्स टॉक फर्दर। द इंडस पीपल, ठीक है, द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। लो भाई, एक और फीचर मिल गया, इन लोगों ने सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और इनका कॉटन मेसोपोटामिया जाता था, ठीक है, और बहुत ही बड़े लेवल पे ये ट्रेड करते थे कॉटन का, ठीक है। इसके अलावा व्हाइल द प्रीवेलेंस एग्रीकल्चर इंडिकेटेड फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखो, हमें ग्रेन्स मिले, उससे हमने बता दिया क्या होता था एग्रीकल्चर, लेकिन एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे होती थी, कैसे ये खेती करते थे, इसका पता लगा पाना भी बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर है? अच्छा, और कुछ चीजें हमें मिली हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। तो ये जो बुल है ना भाई, बुल, ये सील्स पे देखे गए हैं, ठीक है, ये टेराकोटा फिगर्स देखे गए हैं, इनके स्कल्पचर मिले हैं, और ये क्या बताते हैं कि बुल को लोग जानते थे, ठीक है, समझ रहे हैं। और कहीं कहीं पे ऑक्सन भी वर यूज फॉर द प्लोइंग, और कई जगह देखा गया कि ऑक्सन का यूज होता था फॉर द प्लोइंग, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा हॉर्स का भी एविडेंस मिला है, सुपरफिशियल लेवल पे अगर देखा जाए, जो रियलिटी नहीं है, मोहनजोदड़ो का नाम आता है, लेकिन एक डाउटफुल टेराकोटा फिगर मिला है जो बोलते हैं कि लोथल का है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या हड़प्पन हॉर्स को जानते थे, तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल उसमें हाँ मत करिएगा, यूपीएससी बार बार आपको बोलेगा आइए बताइए, और आप मत बोलिएगा, क्यों, यही फंसाएगा आपको। नेक्स्ट, इकोनॉमी। तो भाई इनकी जो इकोनॉमी थी, पहले समझ ले, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। तो इंडस पीपल जो थे, उनसे जो हमें सील्स मिली है, स्क्रिप्ट मिली है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ठीक है, उससे ये पता चलता है कि ये वेट्स और मेजर का ज्ञान रखते थे, इनको नॉलेज था वेट और मेजर्स का, ठीक है, और हड़प्पन्स कैरीड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल और सेल, ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते थे, स्टोन मेटल और सेल को इंपोर्ट करते थे। अब इनका पेमेंट कैसे होता था, ये बार्टर सिस्टम में यूज करते थे, क्योंकि उस समय कोई भी क्वाइन या मनी का यूज नहीं था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये अरेबियन सी में नेविगेशन को भी जानते थे, मतलब ये सी रूट का यूज करते थे, इनको मालूम था कि हाउ टू नेविगेट इन द सी, ठीक है, अरेबियन सी में नेविगेशन वॉज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, यस, चलो आगे चलते हैं। क्राफ्ट, कौन से क्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे? तो भाई यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज बहुत बड़े लेवल पे देखा गया है, कॉपर का भी यूज देखा गया है, उस समय कॉपर जो था वो राजस्थान के खेतरी से मिलता था, और टिन का यूज देखा गया है, टिन आता था अफगानिस्तान से, तो कॉपर फ्रॉम राजस्थान खेतरी और टिन फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंप्रेशन जो थे वो भी बहुत जगह पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हुए हमें, ठीक है, मतलब खास प्रकार के कुछ ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हुए हैं जहां पे उनकी सजावट की गई है। क्लियर है? मतलब ब्रिक्स को भी सजा सजा के बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये बोट मेकिंग जानते थे, ये बीड मेकिंग जानते थे, ये सील मेकिंग जानते थे, इसके अलावा ये लिपस्टिक मेकिंग भी जानते थे, ठीक है। टेराकोटा मैन्युफैक्चर वाज आल्सो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट, ठीक है, और जो ये टेराकोटा बनाते थे ना, खास प्रकार की मिट्टी जो आज के टाइम में राजस्थान में मिलती है,
ये रेड कलर की मिट्टी होती है, मतलब जो बाद में बनते बनते वो काली हो जाती है, बेसिकली वैसे रहती रेड ही है। और इसको बनाते हैं, फिर उसको पकाते हैं। इसी टाइप का एक बहुत फेमस प्रीशियस मतलब इनका एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जिसे आप कहते हो डांसिंग गर्ल, ठीक है। एक लड़की है जो त्रिभंग के पोस्चर में खड़ी है। त्रिभंग मतलब शरीर को तीन भागों में मोड़कर, ऐसा माना, ऐसा लगता है कि वह डांस करके थक गई है और वो अभी अभी खड़ी है, ठीक है, त्रिभंग, ठीक है। और ये त्रिभंग का जो पोस्चर है उसमें उसके एक हाथ में 27 से 29 बैंगल्स है, एक हाथ पूरा खाली है, एक हाथ कमर पे है, और जिस हाथ में बैंगल्स पहने उसने कंधे तक, वो हाथ सीधे है। अब इतना अच्छा फिगर कैसे बनाते थे, ठीक है। तो लॉफ्ट वैक्स टेक्निक का यूज करते थे। ये कौन सी टेक्निक? लॉफ्ट वैक्स टेक्निक, सुना है कभी इसके बारे में? उस समय पेशावर के पास में, पेशावर जो आज है, उस समय वहां मोम मिलता था, वैक्स। उस वैक्स को ये पिंचिंग से जो आकृति देना चाहे, जो स्ट्रक्चर देना चाहे दे देते थे। इसके ऊपर क्ले लगाते थे, फिर धूप में सुखाते थे। जब वो सूख जाता था तो उसमें होल कर देते थे, फिर जब उसको वो आग में डालते थे तो वैक्स पिघल कर बाहर आ जाता था और एक खोखला स्ट्रक्चर मिल जाता था। फिर ब्रॉन्ज को पिघला कर उसमें भर देते थे, और ब्रॉन्ज के सूखने के बाद उसके ऊपर के साचे को तोड़ देते थे, और एक अच्छा सा इन्होंने स्कल्पचर तैयार किया, और उस मेथड का नाम था लॉफ्ट वैक्स टेक्निक। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं? इसके अलावा ये ज्वेलरी भी बनाते थे, सिल्वर और गोल्ड और प्रीशियस स्टोन की। तो सिल्वर नोइंग था, गोल्ड नोइंग था, प्रीशियस स्टोन नोइंग था। लेकिन एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सर आयरन तो आया नहीं है, अब आयरन नहीं आया है अभी तक तो माइनिंग कैसे होगी? माइनिंग नहीं होगी तो सिल्वर गोल्ड कैसे आएगा? तो सिल्वर गोल्ड को ये इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ठीक है। दे इंपोर्टेड सिल्वर एंड गोल्ड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द पॉटर्स व्हील वॉज इन फुल यूज, ठीक है। जो पॉटर्स व्हील है उसका यूज बहुत बड़े लेवल पे किया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉटर्स व्हील का यूज बहुत बड़े लेवल पे किया गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था कि नियोलिथिक के लोग भी पॉटर्स व्हील का यूज करते थे, ठीक है। और इनकी जो पॉटरी थी ये सबसे खास फीचर था। क्यों? क्योंकि ये ग्लॉसी होती थी और शाइनिंग होती थी। क्लियर है? ग्लॉसी और शाइनिंग दोनों देखने को मिलेगा। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजन। तो आइए रिलीजन में देखते हैं। पहला, इन हड़प्पा न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स ऑफ विमेन हैव बीन फाउंड। विमेन्स की बहुत सारी टेराकोटा फिगर्स मिली है, ठीक है, जिसमें एक दिखा रहा है कि एक वुमेन के एम्ब्रॉय से एक प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है, मतलब मदर गॉडेस टेराकोटा। सुना है आपने? मदर गॉडेस ऑफ टेराकोटा मतलब मातृ देवी, मतलब जो हड़प्पन्स थे ये अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस मानते थे और उनकी पूजा करते थे, ठीक है। और इसी तरह इजिप्टियंस नाइल गॉडेस आइसिस की पूजा करते थे, आइसिस, ठीक है, क्योंकि इजिप्टियंस भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। उनके एग्रीकल्चर का मेन सोर्स रिवर नाइल था, इंडिया में एग्रीकल्चर का मेन सोर्स अर्थ था, तो इन्होंने अर्थ के लिए मदर गॉडेस की पूजा की और इजिप्टियन ने आइसिस की पूजा की, नाइल गॉडेस। क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट आगे, द मेल डेटी रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील विथ थ्री हॉर्न हेड, ठीक है। अब जो समझेंगे, ये तो ठीक, ये लिखा हुआ है या आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूं। कुछ लोग बोलते रिलीजन था, कुछ लोग बोलते रिलीजन नहीं था, क्योंकि अगर रिलीजन होता और मतलब प्रीस्ट क्लास होते
है, और प्रिस्टली क्लास डोमिनेट होता तो मंदिर होते, हमें मंदिर के एविडेंस नहीं मिले, हमें टेंपल के एविडेंस में नहीं मिले। अगर हमने हमें रिलीजन के नाम पे कोई मिला है तो हमें मिला है मदर गॉडेस टेराकोटा, फर्टिलिटी गॉडेस जिनको कहते हैं, दूसरा पशुपति महादेव एक सील मिली हुई है जिसमें एक पर्सन योगी पोस्चर में बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ जानवर है, ठीक है, तो सील मिली हुई है। इन दो चीजों के अलावा फॉलस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि ये ट्री और एनिमल की वर्शिप करते थे। तो मोस्टली अगर ओवरऑल रिसर्च किया जाए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये यही कॉन्सेप्ट है, यही से यूपीएससी पूछेगा, ये वर्शिप करते थे नेचर वर्शिप, ठीक है, नेचर वर्शिप। गॉड वॉज नॉट पावरफुल ड्यूरिंग दैट टाइम, नेचर वॉज द बिगेस्ट पावर, क्लियर है, और नेचुरल गॉड्स पावरफुल थे, इसके अलावा दूसरे गॉड पावरफुल नहीं होंगे, समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक और चीज मिली, क्या, दो चीजें, एक मतलब एक चीज, एमुलेट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन लार्ज नंबर, ताबीज मिले हुए हैं। उस समय के लोग सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते थे, ताबीज पहनते थे, डर है तो ईश्वर है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप कभी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन जैसे रात को 2 बजे कुछ पायल की आवाज आई, खटखट हुआ, जय हनुमान, ज्ञान सागर शुरू हो गया, हनुमान चालीसा, क्यों, क्योंकि भाई डर है तो ईश्वर है, तो प्रकृति से बड़ा डर कोई नहीं है, इसीलिए प्रकृति की पूजा आज भी होती है, बस हमने ईश्वर बदल दिए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सोशल पैटर्न, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, मैं यही से कोरिलेट करके स्टोरी चलूंगा ताकि चीजें आपको मालूम हो। नेक्स्ट, कौन सी इंपॉर्टेंट सील मिली हुई है, तो बच्चों पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील और बुल सील, ये तीन फेमस सील है। जो ये पशुपति सील है इसमें एक योगी है जो आज के शिवा की तरह है, ठीक है, पेयर ऑफ हॉर्न्स है, मतलब उन्होंने मुकुट जो क्राउन पहना है उसमें हॉर्न्स है, ठीक है, और वो राइनो बफेलो एलिफेंट और टाइगर से सराउंडेड है, और उनके थ्रोन के पास जिस गद्दी पे वो बैठे हैं, देखो जिस गद्दी पे वो बैठे हैं वहां पे 2 डियर भी मिले हैं, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है शिव वर्शिप्ड एंड ही वॉज कंसिडर द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, पशुपति, इसीलिए उनको क्या बोला गया, पशु मतलब एनिमल, ठीक है, और पति मतलब गॉड, तो पशुपति मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल, क्लियर है, ठीक है, यस, ठीक है। एक सेकेंड, जो ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन थ्योरी है, ठीक है, अभी उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो आर्यंस के लिए पूछा जाता है, ठीक है, आर्यंस के लिए पूछा जाता है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो थ्योरी है, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग है, द्रविड़ियन ओरिजिन नहीं है ये, ठीक है, आप शायद आर्यंस के बारे में पूछ रहे हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वर्ल्ड की फर्स्ट सेटल्ड अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसके लिए, इसके ओरिजिन के लिए किसी थ्योरी का यूज नहीं किया गया है। चलिए यूनिकॉर्न सील के बारे में बात करते हैं, यूनिकॉर्न सील मतलब एक सींग का माइथोलॉजिकल एनिमल, ये भी देखा गया है। ये क्या शो करता है, इंडस वैली पीपल के लोग कितने ज्यादा क्रिएटिव थे, कितने ज्यादा इमेजिनरी थे, ठीक है। बुल सील मिली हुई है, ये सील डिपिक्ट करती है हम्ड बुल को, ठीक है, याद रखेंगे हम्ड बुल जो है ये, इसका भी सील मिला हुआ है, ये तीन चीजें बिकम वेरी फेमस, याद रखेंगे, क्लियर है। चलो अब कुछ सिटीज के नाम है, ठीक है, ठीक है, कुछ सिटीज के नाम है, देखो हड़प्पा वर्ड इज द्रविड़ियन, समझो मेरी बात को, समझो, पीपल बिलीव दैट व्हेन आर्यंस केम इंडिया द हड़प्पन पीपल्स
माइग्रेट टुवर्ड साउथ एंड लिव्ड देयर। तो दो थ्योरी आई, आर्यंस इंडो यूरोपियन इन द नॉर्थ इंडिया एंड हड़प्पन्स, ठीक है, जो डिफीट कर दिए गए साउथ में चले गए, वो द्रविड़ियन हो गए, समझ रहे हो। तो ऐसा माना जाता है, क्लियर है, लेकिन यूपीएससी ने भी इसको बड़े लेवल पे कंसीडर नहीं किया। यस, बिल्कुल, चलिए, चलो अभी देखो, सुनो, अभी मेरा टेस्ट भी है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेजर साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, कोट डीजी, कालीबंगर, मनावली, लोथल, सुरकोटजा, चनोदड़ो, सुतका, गेंडोर, ये सब साइट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये मैं नोट्स अभी ग्रुप पे डालूंगा, आपको रीडिंग करना है, वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन सा शहर कैसा ये भी पढ़ा दिया, लेकिन कुछ कुछ चीजें मिली हुई हैं, उनका एक नोट बनाना है, वो आप बना लेना। अब मैं सीधे आता हूं कि सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो देखेंगे इंडस वैली, ठीक है ना, कर लोगे ना, ठीक है, सिटीज को कर लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। मैंने बहुत अच्छा नोट्स बनाया, हर एक चीज रखी है, रटना आपको भी है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहाँ पे ये मिला, वहां पे वो मिला, तो ऐसे आपको याद नहीं होने वाला है, जस्ट वंस एवर रीड, ठीक है। जहां पे कॉन्सेप्ट वो मैं पढ़ा देता हूँ। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ उसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है। तो मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है, इंडो यूरोपियन ट्राइब आर्यंस जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए, तो इन्होंने यहां के लोकल्स से इनका फाइट हुआ और आर्यंस इनको डिफीट कर दिए और वहीं से ये सिविलाइजेशन का एंड हो गया। लेकिन फिर सोर्स कहता है कि अगर वॉर होता है, लोग मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, स्केल्टन मिलता है, स्केल्टन मिलेगा, तो जो यूरोपियंस आए थे आर्यंस, वो हाइट बहुत लंबी लंबी होती थी, उनके स्केल्टन अलग पाए गए बाद में, और यहाँ के लोगों की हाइट कम होती थी, इनके स्केल्टन अलग पाए गए, लेकिन दोनों के स्केल्टन सेम टाइम पे नहीं मिले, तो देर वॉज नो एविडेंस ऑफ द वॉर। इसलिए इनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी फेल हो जाती है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, बच्चों मैं आपको बता दूं, वो है नेचुरल फैक्टर। अभी भी डिबेट है इस पे, अभी भी डिबेट चल रहा है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड है नेचुरल फैक्टर एंड जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है, नेचुरल फैक्टर, मोहनजोदाड़ो रिवर जो है ना, सॉरी इंडस रिवर, वो मोहनजोदाड़ो शहर उसके बिल्कुल किनारे था, आज इंडस रिवर मोहनजोदाड़ो से काफी दूर शिफ्ट हो गई है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से रिवर अपना एरिया, मतलब अपने बहने का जो रीजन है वो चेंज कर दिया। जब नदियां बहना, मतलब चेंज हो गई, सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड हो गई, एग्रीकल्चर इन्होंने इस लेवल पे किया, इस लेवल पे एग्रीकल्चर लैंड का एक्सप्लॉयटेशन किया बच्चों, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने लगा, खाने की कमी पड़ने लगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगे, जो सेटल्ड लाइफ था वो बिखर गया, लोग फिर से नोमैडिक में कन्वर्ट होने लगे, जो कि लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाए, और धीरे से ये पूरी सिविलाइजेशन नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से खत्म हो गई, रेनफॉल नहीं हुआ, रिवर का जो कोर्स है वो चेंज हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई, इन शॉर्ट इन्होंने नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया, नेचर ने इन्हें बर्बाद कर दिया। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखना चाहिए कि आज हम नेचर का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना, नेचर हमसे बदला लेगा, जिसका सबसे बड़ा एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्लियर है, अरे गेटिंग माय पॉइंट। और इसीलिए बोला जाता है कि नेचुरल कॉज थे, ठीक है, और इसकी वजह से सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। इस यहां से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहला कॉज क्या है, तो आप बोलेंगे नेचुरल कॉज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, और दूसरा क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन सडन
फॉल हो गई, सडन कोलैप्स हो गई, नहीं, ये स्लोली कोलैप्स हुई है, धीरे धीरे सूखा पड़ना। आज आप देखिए इंडस वैली के टाइम में राजस्थान जो है वो डेजर्ट नहीं था, राजस्थान अच्छा ग्रीन लैंड था, लाइक गंगा यमुना का जो मैदान है ऐसा नदी थी सरस्वती, घग्गर हागरा। लेकिन हड़प्पन्स ने इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना एक्सप्लॉइट किया उस रीजन का कि आज वो रीजन डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये बताता है कि आप नेचर का जितना एक्सप्लॉइटेशन करोगे नेचर उतना ही आप पे भारी पड़ेगी। क्लियर है? तो बस इस मोटो के साथ मैं अपना यहाँ का लेक्चर आज खत्म करता हूँ। टुमारो वी विल स्टार्ट वैदिक एज, और कल मैं केवल सोर्स पढ़ाऊंगा, सोर्स ऑफ वैदिक एज। आपने देखो कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ट्रिकी, आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्या क्या सोर्स है वैदिक एज के, लिटरेचर, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, इनके बारे में डिटेल एनालिसिस। तो कल सोर्स और परसों कॉम्परेटिव एनालिसिस, क्योंकि वैदिक चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत डीप में जाके कवर करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, हाँ, महाभारत 2300 BC के अप्रोक्स माना जाता है, क्योंकि तभी से कलयुग की शुरुआत हुई है। किसकी? कलयुग की। ठीक है, लेकिन वो